गणपति बप्पा मोरिया के जयकारों से गूंजा होली हाट प्रांगण। गणपति बप्पा मोरिया अगले बरस तू जल दिया। इन दिनों पूरा शहर गणपति बप्पा मोरिया के जयकारों से गूंज रहा है, क्योंकि श्री गणेश चतुर्थी का उत्सव भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष के दिन से शुरू हो चुका है। 10 दिन तक चलने वाले इस उत्सव में श्रद्धालु गणपति बप्पा की स्थापना करते हैं और फिर सब भक्त अपनी श्रद्धा अनुसार नियम अपनाते हुए भगवान श्री गणेश जी की प्रतिमा को पूरे श्रद्धा भाव से विसर्जित करते हैं। ऐसा ही सुंदर नजारा होली हाट प्रांगण में हर वर्ष देखने को मिलता है। इस बार भी सेठ परिवार ने बहुत श्रद्धा पूर्वक चेयरमैन विजय सेठ की अध्यक्षता में श्री गणपति बप्पा के लिए बहुत सुंदर मनमोहक पंडाल सजाया। अतिथियों को श्री गणपति बप्पा के दर्शन के लिए निमंत्रण दिए गए। गणपति महाराज का गुणगान करते हुए समूह परिवार ने संगत के साथ समस्त जगत के लिए सुख शांति की प्रार्थना की हाजिरी भरी। श्री सिद्धि विनायक गणेश जी महाराज की पूजा अर्चना करते हुए सेठ परिवार व निकटवर्तियों ने गणपति बप्पा की प्रतिमा के आगे मोदक लड्डू व अन्य पूजा सामग्री के साथ भोग लगवाते हुए श्री गणपति बप्पा जी की आरती की। पूरा होली हाट प्रांगण गणपति बप्पा के जयकारों से गूंज उठा। बहुत श्रद्धा भावना के साथ प्रेम पूर्वक ढोल की थाप पर इको फ्रेंडली गणपति बप्पा की प्रतिमा को पूरे विधि विधान के साथ आंगन परिसर में ही विसर्जित किया गया, जिसमें डायरेक्टर अंजना सेठ ने गणपति बप्पा की प्रतिमा के सम्मान करने के साथ साथ अपने पर्यावरण के संरक्षण का भी संदेश दिया। प्रिंसिपल शिल्पा सेठ व डायरेक्टर विक्रम सेठ के साथ सभी श्रद्धालु विसर्जन के मौके जमकर नाचे और पूरी श्रद्धा के साथ गणपति बप्पा को अगले वर्ष फिर जल्दी आने का निमंत्रण दिया। कार्यक्रम में प्रसिद्ध भजन गायक संजय सावरिया, भाजपा नेता गौतम अरोड़ा, कवलजीत कौर रणिके, सोनी परिवार, मैडम आस्था, निखिल कपूर, अमित सेठी, पायल सेठी, समीर शर्मा, अर्चना कपूर, रचना अरोड़ा, नीरू कपूर इत्यादि सहित अन्यों ने अपनी हाजिरी गणपति बप्पा के दरबार में लगाई।